सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल बटन पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी जोन। आज इस वीडियो में हम 19 जुलाई की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि केंद्र देश में कुशल जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था स्थापित किया जाएगा। देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये उड़ीसा में स्थापित होगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इस प्रकार के कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो जिसमें पहला जो राज्य होगा उसमें उड़ीसा होगा। ठीक है, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व विभाग के नए भवन का उद्घाटन किया, इस भवन का नाम क्या है? तो ये इस भवन को नाम दिया गया है धरोहर भवन। ठीक है, धरोहर से मुझे एक याद आया वर्ड कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, विश्व धरोहर दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है, जो पदार्थ के सटीक परमाणु दर परमाणु दृश्य को सक्षम करेगा? तो ये आईआईटी मद्रास जो है, इसने सब दुनिया का पहला सबसे दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जो पदार्थ के सटीक परमाणु दर को बताएगा और जिसको परमाणु को देखने में सक्षम करेगा। ठीक है दोस्तों, कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा स्मारकों के संरक्षण के लिए और भाषा के प्रसार के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया है? तो हेरिटेज कैबिनेट का गठन जो है उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है और इसमें 8 सदस्य होंगे और कैबिनेट की जो अध्यक्षता होंगे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किसे गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है? गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिला है लुका मैड्रिक को मिला है। लुका मैड्रिक जो है क्रोएशिया के कप्तान है और क्रोएशिया जो है इस फीफा वर्ल्ड कप में उप विजेता रहा और प्रथम जो देश जिसने विजेता रहा वो है फ्रांस। ठीक है, और इस फीफा वर्ल्ड कप 2018 में तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ वो बेल्जियम को प्राप्त हुआ है और जबकि चौथा स्थान इंग्लैंड को प्राप्त हुआ और इसमें गोल्डन बूट अवार्ड जिसे दिया गया है वो इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को 2018 का सॉफ्ट पावर सूचकांक इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सॉफ्ट पावर सूचकांक इंडेक्स में ब्रिटेन जो है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 30 देशों की ये सूची है सॉफ्ट पावर, इसमें फ्रांस जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और जबकि जर्मनी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में, जो भारत का इसमें कोई स्थान नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों की सूची में किन दो भारतीय कलाकारों को स्थान मिला है? तो ये अक्षय कुमार और सलमान खान को मिला है, जिसमें 100 हस्तियों की सूची में अक्षय कुमार को 76वां स्थान और सलमान खान को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएमएफ ने 2019 में भारत के जीडीपी विकास का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? आईएमएफ 2019 में जो भारत का जीडीपी का अनुमान लगाया है वो 7.3% है। आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, तो आईएमएफ के मुताबिक जो है भारत 2019 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके अभी के सीईओ है जो क्रिस्टीन लेगार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन टेनिस 2018 के पुरुष एकल का फाइनल हाल ही में खेला गया, इसके जो विजेता रहे कौन है? तो सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने विंबलडन टेनिस 2018 में पुरुष एकल में ये जीत हासिल की है और इन्होंने किसे हराया? तो साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को पराजित कर यह खिताब हासिल किए। और जो केविन एंडरसन है ये साउथ अफ्रीका से पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने विंबलडन में पहला एकल पुरुष फाइनल में तक पहुंचा।
तो विंबलडन टेनिस 2018 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसे आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने के लिए बहुत अधिक चांसेस बन रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।